हेलो दगड़ियों, कंच आप लोग अच्छा बोला, अच्छा ही बने रहा। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों हंसने की गुड़ वाले ब्लॉग्स में। दोस्तों, चावल तो हो चुके हैं हमारे रेडी, तो करते हैं गैस बंद। और गैस हो गया अपना बंद, इसको रख देंगे यहाँ पे। चावल दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में कैसे बन रखे हैं। और अब बनाएंगे हम कढ़ी। तो कढ़ी के लिए थोड़ा सा लिया हमने दही, थोड़ी दही ले रखी है कढ़ी के लिए। और ये थोड़ा सा ये हमने लहसुन काट रखा है थोड़ा सा, और उसके लिए थोड़ा सा प्याज भी है। तो दोस्तों, हो चुकी है हमारी कढ़ी बनाने की पूरी तैयारी, और मिलते हैं आपको कढ़ी बनाने के कुछ देर बाद। दोस्तों, फाइनली बन चुकी है हमारी कढ़ी, और देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं कढ़ी का, कितना प्यारा कलर आ रखा है कढ़ी पे। तो इतना ही चटपटा भी होगा ये, तो चलो चखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी बन रही है कढ़ी। वाह, मस्त, एक नंबर बन रही है कढ़ी, स्वादिष्ट बिल्कुल। थोड़ा सा और चखेंगे, मजा ही आ गया दोस्तों, क्योंकि तो आपका भाई एक बहुत अच्छा शेफ है यार, तो कढ़ी कैसे खराब बनती। तो दोस्तों, ये रहा अपना एक छोटा सा किचन। मैं बैठे बैठे यहाँ से हर कुछ निकाल सकता हूँ, बस बैठे बैठे ही निकालना है मुझे। और ये रहे नीचे मिर्च मिसाले, और सब्जी भी बहुत हो रखी है इस बार गाँव में। ये देख सकते हैं आप, छोटी छोटी लौकियाँ हैं, छोटी छोटी लौकियाँ कल ही तोड़ी है, क्योंकि अब इनका पेड़ भी हटाना है, थोड़ा सूख रखे हैं इनके पेड़, तो हटाने वाले हैं इनके पेड़ों को भी। तो जितने छोटे बड़े लौकियाँ थी सब निकाल दी। तो लौकी हो रखी है और गुदड़ी हो रखी है। खीरे तो इस बार बहुत ज़्यादा लग रखे थे, बहुत ही ज़्यादा कट्टे कट्टे भर के ला रहे थे लोग खेतों से खीरे खीरे के। तो इस बार खीरे की तो कोई कमी हुई नहीं, हर बार ही नहीं होती खीरे की कमी। तो घर गाँव में मतलब सब्जी की कमी नहीं होती है, बस 2-3 महीने होती है सब्जी की दिक्कत बाजार, मतलब गाँव में तो मार्केट का कम ही खाते हैं लोग, क्योंकि घर गाँव की हो जाती है। करेले भी इस बार बहुत हो रखे हैं, और लहसुन भी निकाला था कुछ महीने पहले, लहसुन भी हो रखा है। तो और कुछ मिर्च दिखाई थी मैंने आपको छत में, मिर्च भी हो रखी है, और दालें तो बहुत हो रखी हैं इस बार। तो मतलब हम लोग खेती पे ही निर्भर रहते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट से कम ही लाते हैं, जैसे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, वो भी थोड़ा बहुत रख लिए जब कुछ शादी शादी होती है घर में किसी की, तो थोड़ा बहुत ले आते हैं मार्केट से। तो बाकी खेती पर ही निर्भर हैं हम लोग, तो और खेती का ही हो जाता है, बिल्कुल पूरा हो जाता है खेती खेती का ही। तो किसान भी हैं हम थोड़ा बहुत, और बता दिया मैंने आपका भाई, तो मैंने बता दिया आपका भाई एक अच्छा शेफ भी है। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा बनाता हूँ मैं अपने लिए, और मम्मी औरों को भी अच्छा आता है मेरे हाथ का खाना पसंद। तो मम्मी और मेरे को कहते हैं दाल चावल बनाने के लिए, और रात की सब्जी भी
कभी कभार बना लेता हूँ। ऐसे तो ड्यूटी मेरी है रात की सब्जी की भी, पर थोड़ा कभी कभी अगर मम्मी भी बना लेती है जब मैं घर लेट से आता हूँ। तो दोस्तों, घर का काम तो हम निपटा ही चुके हैं, और कुछ दोस्त लोग कह रहे थे थलीसेन मिलने के लिए कि भाई मिलने आ जा, तो चलते हैं थलीसेन। तो दोस्तों, एक बार फिर से चल पड़े हम थलीसेन की ओर दोस्तों को मिलने। जो आपको ये रोड़े दिख रही हैं, इन रोड़ों पर मैं सुबह 4 बजे आया करता था दौड़ने के लिए, और इस रोड जगह पर कहीं कहीं पर बाघ भी मिल जाता था। तो यहीं पर मेरा 1600 मीटर ख़त्म हुआ करता था पहले, और यहीं इसी रोडों पे एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो लगभग मैंने अपने 3-4 जोड़ी जूते तो फाड़ी लिए थे सैगा के दौड़ते दौड़ते, और बहुत मेहनत की यार भर्ती होने के लिए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है। तो देखते हैं जीवन में और क्या क्या होता है आगे, मेहनत तो जारी है फिलहाल। ये थलीसेन की शिव मंदिर देख सकते हैं आप, मार्केट में, बिल्कुल मार्केट में है ये मंदिर, बहुत अच्छा सा। और ये हमारे सब्सक्राइबर, हम कुछ सब्सक्राइबर, कुछ सब्सक्राइबर मिले हमको, और अपने मनोज भाई चिकन ले रहे हैं यहाँ से। आज हमारा वो हो गया क्या, गाड़ी गाड़ी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, और हमने नई बाइक खरीदी। दोस्तों अभी आए हम कुछ खाने, बाइक की पार्टी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अवतार सिंह चौहान, गणाम पुणे,
सुनाई होगा आपने, ग्राम कुनेत के हैं हम, और हम की मुंबई, अपन करता था मुंबई में नौकरी, और अपन आ गया इधर पटाखे बेचने के लिए। बोलो, कोरोना ने ऐसे हालत कर दी कि पटाखे बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो आपने अपनी जॉब कब छोड़ी? जॉब तो फिलहाल छोड़ दी, लगा लो। अब हम तो एक पर आप देखो यहाँ पर, दिखाओ ना, हम पटाखे बेच रहे हैं, मोमबत्ती बेच रहे हैं, यहाँ पर रोड पे तो देखो, देखो अपना बिजनेस कर रहे हैं, देखो मोमबत्ती बेच रहे हैं हम, जबरदस्त। और नौकरी तो नौकरी होती, यहाँ तो अपना राज है, देखो लड़ियाँ, देखो माल है, हर चीज बढ़िया माल है, देखो कितने अच्छे ढंग से हम बेच रहे हैं यहाँ पे। भाई लोग आई यार, सेवा का मौका एक बार जरूर दो, धन्यवाद, गुड लक। और इधर देख लो आप दुकान के अंदर, और ये रही जसन सर की दुकान, यहाँ पे आपको हर एक प्रकार के बम, स्काई शॉट्स, कुछ छोटे बम, सुतली बम, सारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं थैलीसैंड से घर। थैलीसैंड मार्केट दिखाया हमने आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत भीड़ लग रखी थी मार्केट में, तो कुछ अच्छा नहीं दिखा तक दिखा होगा आप लोगों को, अच्छा भी दिखा होगा तो कैसा लगा आपको। तो छोटा सा ये अपना एक थैलीसैंड मार्केट। तो चलते हैं घर की ओर, तो अभी आ चुके हैं हम थैलीसैंड से घर। तो थैलीसैंड का मार्केट दिखाया हमने आपको। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।